लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं तनु पंवार स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल तनु पंवार एक दो तीन चार ब्लॉग्स में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के करीबन 4 बजे से हो रही है और अभी मैं बताऊंगी कि अभी क्या होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों में से कई सारे लोग जानते होंगे कि हमारे पहाड़ों में अब काम खेतों का काम शुरू हो चुका है। आजकल चल रही है धान की कटाई और मंडाई। तो पहले मैं बताती हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है धान जिसकी मंडाई आज सुबह ही हो चुकी थी। तो सुबह मैं नहीं गई थी खेत में, मैं अभी जाऊँगी तो अभी फिर बताऊँगी कि किस प्रकार से धान की मंडाई की जाती है। दोस्तों इसी के साथ शाम के पूरे 5 बज चुके हैं और हमारी गाय अभी अभी आ रही है। मुझे जाना था खेत में और गाय नहीं आई थी, इस वजह से लेट हो चुका है। तो अभी निकलते हैं खेतों की तरफ। आप लोग देख सकते हैं 2 ही दिन हुए हैं अभी काम शुरू हुए और लोगों ने लगभग लगभग सारे धान की कटाई कर दी है। तो दोस्तों अब मैं अपने खेत में पहुंचने ही वाली हूं और आज ही मैं पहली बार खेत आ रही हूं। 2-3 दिन से काम स्टार्ट हो चुका था बट मैं को टाइम नहीं मिला, तो मैं आज ही आ रही। और जब मैं यहां पे मैंने ऊपर से देखा ना तो हैरानी हो गई। हमारे गांव के लोग काम करने में इतने एक्सपर्ट हैं ना, 2 दिन में आधी सारी वैसे ही खाली कर दी है और 1 महीने के अंदर अंदर दोनों सारियों का काम हमारे गाँव के लोग पूरा ख़त्म कर देते हैं। अभी चलते हैं आगे के लिए, तो इस वाले रास्ते से जाएंगे हम। तो आजकल बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा क्योंकि इस समय सांप वगैरह की भी डर रहती है। तो दोस्तों हम जैसे खेत में आए, यहाँ पे दादी और इधर ताई जी लोग खेतों का काम कर रहे हैं। इन्होंने आधा खेत का पूरा धान काट लिया है और अब थोड़ा सा रह रखा है। ताई जी कैसा लग रहा है आपको धान काट के? हम तो बहुत घाम लग रहा, थकाई लग रही थी, सट करना था, घाम लगी थी और सट भी ठीक ही थी धन्यवाद। यहाँ पे ताई जी लोगों को काम करने देते हैं और मैं भी चलती हूँ अपनी खेत की तरफ। बाय बाय। तो यहाँ पे भीगी की मम्मी और दीदी भी कर रहे हैं धान की कटाई। कब आई तू घर? और तेरी बेटी कहाँ है? बेटी कहाँ है? और तेरी बेटी कहाँ है? उसको नहीं लेके आई क्यों? और तेरे हस्बैंड ठीक है? ठीक है। फिर यहाँ पे है भीगी की मम्मी। हाय दादी, इधर तो देखो। तो दादी हमारे गांव की अंग्रेज है, दादी बहुत गोरी है ना इसलिए सब इनको अंग्रेज बोलते हैं। ठीक है दादी भाई। दोस्तों इस नीचे वाले खेत में झंगोरा बोया गया था और ये झंगोरा लेके चले गए हैं अपने घर। अब थोड़ा सा रह रखा है, मैंने इसी खेत के ऊपर में जाना है, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों मैं फाइनली अपने खेत में पहुंच चुकी हूं और मेरे पहुंचते ही पहुंचते सारी मंडाई खत्म हो चुकी है। तो जैसे मैं खेत में पहुंची तब तक इन्होंने पूरा जितना भी हमारा धान हो रखा था उसको सारा मार दिया है, ये देख सकते हैं आप। और इतने थकती हो रखे हैं हमारे इस बार। हमारा सट्टी मारने के लिए चाचा और उमा दादी और ये चाची आ रखी हैं। यहाँ पे चाची कर रही हैं पिरूल को सुखाने का काम। दोस्तों यहाँ पे मम्मी कर रही है सट्टी को झाड़ने का काम, क्योंकि जो जो पैर से मारते टाइम नहीं निकलते सट्टी, उनको डंडे से पीट के निकाला जाता है। तो दोस्तों हमारे धान मर चुके हैं यहाँ पे और अब हम उमा दादी के साथ जाएंगे हेल्प करने के लिए। तो उमा दादी आप ध्यान करनी है ना, चलो। यहाँ पे मम्मी धान को हवा देने लग गई ताकि धान में से जितना भी कूड़ा है वो अलग निकल जाए। और जब हवा नहीं चलती है तो उस टाइम पे हम पंखे का यूज घर में करते हैं। दोस्तों अब हम उमा दादी के साथ जा रहे हैं और रास्ता आप देख सकते हैं, इस रास्ते से जाना है हमने इस गधेरों को पार करके। और यहाँ बीच में बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, यहाँ ऊपर जाना है अभी हमने। तो चलो चलते हैं और उमा दादी को फॉलो करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको हमारे गढ़वाली भाषा में गाढ़ या फिर गधेरा बोला जाता है। तो इसी रास्ते को पार करके अभी हमने ऊपर चढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी मुसीबतों को पार करके हम फाइनली उमा दादी के खेत में पहुँच चुके हैं। अब इनके धान की कटाई करते हैं, परंतु इनके खेत में एक बहुत बुरी चीज़ हो रखी है, तो आपको दिखाते हैं। इनके खेत में घास और धान एक साथ हो रखा है, क्योंकि इन्होंने शायद उस टाइम पर इसको नीला नहीं होगा इस वजह से। तो देखिए दोस्तों कैसी हालत हो रखी है इस खेत की,
हैं, उमा दादी ने बिल्कुल काम नहीं किया उस टाइम पे, इसकी निलाई गुड़ाई कुछ नहीं की, तो आज हमें धान को खोज खोज के निकालना पड़ रहा है। और वो भी देख सकते हैं आप, पूरा घासी घास हो रखा है बीच खेत में, तो बहुत आफत भी आ रही है। पर में चाची लोग भी काम कर रहे हैं, तो चलो उनसे भी बात कराते हैं। और यहाँ पे चाची और उनकी बेटी भी आ रखी है, तो सारे बच्चे आजकल काम करते हैं अपने मम्मी पापा के साथ। यहाँ पे चाची लोगों ने भी अपने पूरे खेत का धान काट दिया है, और अभी हम भी चलते हैं। अभी हम यहाँ पे उमा दादी का थोड़ा सा जो धान हो रखा है उसको मारना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में धान का कुनका बोला जाता है, क्योंकि जैसे धान पका नहीं होता तो उसको दो चार दिन के लिए ऐसे ही एक साथ इकट्ठा करके रख दिया जाता है, और उसके बाद जब वो पक जाते हैं तो उसके बाद उनको मारना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक दो तीन और ऊपर चार, तो चार लोगों ने यहाँ पे कुंडे लगा रखे हैं, तो ये दो तीन दिन बाद इनको भी मार देंगे। जी यहाँ पे हमारा वाला धान लेके आ चुकी है, और अब मैं लेके जाऊंगी इसको घर की तरफ। तो दोस्तों अब मैं इस धान को लेके चलती हूँ घर। मैंने तो काम काज कुछ किया नहीं, वीडियो बना के आ गई। अभी देखते हैं घर में क्या क्या काम करना है। और दोस्तों इसी के साथ धान लेके मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और हालत हो चुकी है ख़राब। अब जरा गाय गोई को दूध निकालते हैं और सब्जी बनाते हैं। इस ब्लॉग में इतना ही, कर मिलेंगे नए दिन के साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।